Hello everyone, welcome to the next video of Complete Grammar series. Today we'll be discussing the fifth part of speech, that is adverbs, जिन्हें हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं. So, I am very excited for the video. I hope you are also excited. Without further ado, let's continue into the next slide. Now, first we'll be discussing about adverbs. What is an adverb? So words that describe the verb is called an adverb. जैसे कि हम हिंदी में मैंने बताया क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण और adverb. So word that describes the verb is called an adverb. Now three points which are very important जो आपको remember करनी होगी. An adverb indicates how an action is performed. Second, indicates the location and time of specific action. And third, modifies a phrase, adjective, verb and another adverb. So, adverb के ये तीन characteristics हैं, ये तीन features हैं, ठीक है, जो वो indicate करता है. Now, examples. First example is Ramesh looked at me doubtfully. Now, looked. How he looked? Doubtfully. So doubtfully is an adverb. Same as in this sentence, the luggage was quite heavy. Was heavy, it's okay, but how heavy? Quite heavy. Thoda bhari tha, right? So these two words, doubtfully and quite, are adverbs here. I hope you got it. Now we'll be discussing types of adverbs. ठीक है, जिस तरीके से हमने हर पार्ट ऑफ स्पीच में टाइप्स डिस्कस किए हैं, उसी तरीके से टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स भी डिस्कस करेंगे. पहला है एडवर्ब्स ऑफ टाइम. विल ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन व्हेन. ठीक है, ये बहुत अंडरस्टैंडेबल है. एग्जांपल देखिए, द ट्रेन अराइव्ड अर्ली. सो अर्ली इज अ एडवर्ब. यू मस्ट मीट योर फ्रेंड टुमारो. टुमारो इज एन एडवर्ब. अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि इट इंडिकेट्स लोकेशन, टाइम, है ना. सो इस तरीके से. नाउ सेकेंड इज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो इट विल ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन. ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर इंटरवल में या कैसे भी कितनी बार हो रही है. अगर दिन में आप चार बार खाना खा रहे हो तो वो आपके खाना खाने की फ्रीक्वेंसी है. अगर एक पेंडुलम की क्लॉक का जो ऑसिलेशन होता है वो अगर दिन भर में 100 बार भी हो रहा है तो 100 उसकी फ्रीक्वेंसी है, राइट. सो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है. नाउ एग्जांपल इज आई वंस मेट मिस्टर डार्सी. सो वंस इज टेलिंग यू फ्रीक्वेंसी, सो इट इज़ एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. आई रेयरली गो फॉर ऑफलाइन शॉपिंग. सो रेयरली इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. थर्ड इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और डायरेक्शन. विल ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन वेयर, वेयर टू एंड फ्रॉम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू शुड हैव बीन देयर. देयर इज इंडिकेशन इंडिकेटिंग एडवर्ब ऑफ प्लेस. सूरज वुड लाइक टू कम हेयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस. ठीक है, नाउ एडवर्ब्स ऑफ मैनर. विल ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन हाउ. ओके, जैक यूज्ड हिज रिसोर्सेज जुडिशियसली. ठीक है, हर मदर इन लॉ स्पोक स्ट्रिक्टली. तो दीज आर एडवर्ब्स ऑफ मैनर, किस तरीके से कोई भी काम हुआ है. ओके, सो ये थे हमारे चार एडवर्ब्स. अब पांचवा एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी. विल ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन हाउ मच और इन व्हाट डिग्री. ठीक है, कितना, कितने क्वांटिटी, दैट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी. I am rather surprised. Rather is an adverb of degree. She was quite disappointed with the results. ठीक है, तो ये हमारा adverb of degree या quantity हो गया. Now moving to the next type of adverb, that is interrogative adverbs. Interrogative से आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है. बहुत सारे हमने parts of speech में interrogative पढ़ा है. तो this is always related to questions. How is your brother feeling? How is your interrogative adverb? Why have you come to the party? Why is an interrogative adverb? Right? Then, types of adverbs हमारे ख़त्म हो गए.
अब आ रही है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स कैसे बनते हैं, लेट्स लुक इनटू दैट. फर्स्ट पॉइंट, एन एडवर्ब इज फॉर्मड व्हेन एल वाई और आई एल वाई इज एडेड एट द एंड ऑफ एडजेक्टिव और एडजेक्टिव एंडिंग इन ई इज चेंज इनटू वाई विदाउट चेंजिंग द प्रिसीडिंग कॉन्सोनेंट. ठीक है, वेरी इजी टू रिमेंबर. लाइक सी, कोई भी एडजेक्टिव होगा उसके एंड में हम एल वाई या आई एल वाई लगाते हैं तो वो एडवर्ब में बदल जाता है. और दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी एडजेक्टिव अगर ई में उसका लास्ट लेटर ई है तो अगर वो वाई में चेंज हो जाता है विदाउट चेंजिंग द प्रिसीडिंग कॉन्सोनेंट, मतलब उसका प्रिसीडिंग कॉन्सोनेंट, ठीक है, उस वर्ड का और इस वाई के पहले, इस ई के पहले का सॉरी प्रिसीडिंग कॉन्सोनेंट चेंज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ओके, एबल, एबल को देखो, ये ई को हमने वाई में बदल दिया, राइट, विदाउट चेंजिंग द प्रिसीडिंग कॉन्सोनेंट दैट इज एल. तो इससे क्या हुआ, एबल इज एन एडजेक्टिव, एबली इज एन एडवर्ब. सिंगल, सिंगली, वाइज, वाइजली, क्लेवर, क्लेवरली, बैड, बैडली, टेरेबल, टेरेबली. समझ रहे हो, एक वर्ड तुम्हारा एडजेक्टिव है, दूसरा तुम्हारा एडवर्ब है, एक स्लाइट चेंज से तुम्हारा पूरा वर्ड चेंज हो जाता है, राइट. दूसरा पॉइंट है एडवर्ब फॉर्मेशन का, एडवर्ब्स आर आल्सो फॉर्म व्हेन अ क्वालिफाइंग एडजेक्टिव इज एडेड टू अ नाउन और अ प्रोनाउन. क्वालिफाइंग एडजेक्टिव से मेरा मतलब है लाइक समटाइम्स, मीन टाइम, अदरवाइज, समथिंग, समवॉट, समवेयर, ये सब हम नाउन और प्रोनाउन में ऐड करते हैं तो एडवर्ब्स फॉर्म हो जाते हैं. ठीक है, सो ये फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स के दो पॉइंट है, यू हैव टू रिमेंबर, और बहुत इजी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं. नाउ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ये हमने एडजेक्टिव्स में भी डिस्कस किया था एंड वी विल बी डिस्कसिंग इट हियर आल्सो. एडवर्ब्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन्स. ओके, सो वेट अ मिनट, एग्जांपल्स देखते हैं. ही वरीज टू मच, You don't have to worry more. I am most worried. ये एक सेट है, ठीक है, much, more और most का. ठीक है, 3 degrees of comparison की बात की है, यहाँ पर अभी टेबल आएगी वो, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो ये 3 degree की बात कर रहे हैं, much, more and most. ठीक है, then the explosion took place somewhere near. Sorry, हाँ, He took a step nearer. And the girl standing nearest had to leave. तो near, nearer और nearest. ये हो गए 3 degree of comparisons. अब ये आती है हमारी table जिसकी मैं बात कर रही थी. ऐसी हमने adjective में table एक पढ़ी थी. Positive, comparative और superlative. Much, more, most. Bad, worse, worst. Hard, harder, hardest. Careful. Carefully, more carefully, most carefully. So, इस तरीके से adverbs के भी 3 degree of comparisons हैं. Okay? I hope you got it. So, this was all about adverbs. I hope you understood the video, you understood the matter, you understood the what are adverbs, what are the types of adverbs, कैसे form होते हैं, right? Formation of adverbs was a special slide, right? वो बहुत से कम लोग, मतलब उसको पढ़ के ऐसे समझ में आ जाता है कि एडवर्ब्स कैसे बन रहे हैं, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स में कहाँ पे डिफरेंस है, राइट. सो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग इट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट. एंड यस, हैप्पी लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.